अच्छा, अब हम ना फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो ये प्रोडिक्शंस आई थी, हमने इसको प्लेटफॉर्म में कैसे लेके जाना है। ये काम करने के लिए ना इमेज एआई की लाइब्रेरी, ये हमें हेल्प करेगी। अपना क्या कहते हैं, मॉडल को रीड करके उसकी ये जो प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्ट करके उसे क्रैक करने में, ठीक है। वो उसका कोड में आपको ना गो थ्रू करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमने ना ये लाइब्रेरी इंपोर्ट इमेज एआई से ना कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एक क्लास है उसको इंपोर्ट कराया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, ठीक है। अब उसका जो मॉडल है ना वो हमने सेट कर दिए योलो वर्जन 3 पे, ठीक है। सेट मॉडल का ये इस लाइब्रेरी में ना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए बस यही एक योलो वर्जन 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम में जाना है तो और इस लाइब्रेरी में ना और आर्किटेक्चर्स उसके पड़े हुए हैं, रेस्टनेट का पड़ा हुआ है, ठीक है। और अपना और भी 2-3 पड़े हैं, मुझे एग्जैक्टली उनके नाम नहीं याद, ठीक है। अपना क्या कहते हैं, अब यहाँ पर ना मैंने सिंपल अभी उसको ये बताया है कि जो मॉडल का पाथ है ना, जितने मेरा पड़ा मॉडल मेरा पड़ा है वो ये है, ठीक है। क्योंकि इसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है मैंने सिंपल नेम लिख दिया, अगर किसी और डायरेक्टरी में पड़ा है तो मैं पूरा नाम लिखता d/name फोल्डर नेम स्लैश फोल्डर नेम स्लैश मॉडल है, इस तरह से। अच्छा, अब जो जेसन पाथ है जो मैंने आपको फाइल खोल के दिखाई थी, जिसके अंदर एक एंकर्स पड़े हुए थे, लेबल्स पड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा, अब वो उस फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। ये काम करने के बाद ना अब मैंने कहा है जी जो मेरा मॉडल है ना उसको लोड करो, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ना इसका सिंपल डायरेक्ट मतलब यही है जो मैंने आपको ये वाली लाइन दिखाई थी, ये वाली इंपोर्ट क्रॉस लोड मॉडल और ये लोड मॉडल, ये सिंपल यही काम कर रही है, ठीक है। ये लाइब्रेरी बिल्कुल यही काम कर रही है। अपना क्या कहते हैं, यहाँ से लोकेशन मैंने इसको दे दी, ठीक है। अब ये लोकेशन इस लोड मॉडल में खुद ब खुद भेज के ना, ठीक है, ये अपना क्या कहते हैं उसका मॉडल को लोड कर देता है, ठीक है। मॉडल को लोड करने के बाद की और इमेज दे दी, ठीक है। अब वो काम होता है, ये डिटेक्टर का जो वेरिएबल हमारा ऑब्जेक्ट बना है ना, इसके अंदर एक फंक्शन पड़ा है डिटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेज, इसी कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन उसी लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल के अंदर अपना क्या कहते हैं ये पड़ा है। वो भी आपको लोकेशन में ना मॉड्यूल पूरा मिल जाएगा, उसका कोड भी पूरा पड़ा होगा वहां पर, ठीक है। वो भी मैं आपको ना गो थ्रू कराता हूँ, ठीक है। अब ये डिटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इमेज मतलब के इमेज से मुझे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके दो, मॉडल मैंने इसको लोड करके दे दिया, ठीक है। अब सबसे पहले इसका मैं वेरिएबल दूंगा इनपुट इमेज, इनपुट इमेज मतलब मेरी जो इमेज है ना वो किधर पड़ी है, ठीक है। ये मैंने पूरी उसकी ना जो लोकेशन है ना वो दे दी है, स्टैटिक स्लैश इमेजेस स्लैश और ये पूरा उसका नाम है, ठीक है। ये मैं अभी आपको ना इसको ये मैंने इसको इधर प्रिंट भी किया हुआ है, ये वाली इमेज है, ये वही इधर मैंने ना उसी नाम से बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था ना, ये इमेज भी लोड की है। ये अभी हम दोबारा भी शेयर रन करते हैं। अच्छा, आउटपुट इमेज पाथ, आउटपुट इमेज पाथ हमें यह बताती है, ये होता है इस पैरामीटर में कि जी आपने जो ये डिटेक्शन करानी है ना आप वो किधर सेव करना चाहते हो आउटपुट को ना। ये बेसिकली क्या करेगा, जो आउटपुट जनरेट करेगा ना उसी इमेज के दौरान ना, अब जैसे फर्ज करो इसने एम डिटेक्ट किया ना, तो ये एम के दरमियान एक बॉक्स बना कर ना इस तरह से सेव करके एक इमेज बनाएगा, फिर इमेज इसी तरह एन का भी करेगा, डी का भी करेगा, 5, 9 तो जितने भी होंगे ना सारों को करेगा, ठीक है। जितने इसने प्रेडिक्ट किए होंगे उन सब का बॉक्स बनाएगा, उसको एक इमेज में डालेगा, ठीक है। उसका नाम ये रखेगा, ठीक है, और जिस डायरेक्टरी में आपने कहा होगा ना सेव कर दो तो जिस नाम से वहां उसको सेव कर देगा। अगला जो पैरामीटर है वो है मिनिमम परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, ये बता इसको इसके जरिए हम उसे ये बताते हैं कि हमने मिनिमम किस स्कोर का किस प्रोबेबिलिटी की आउटपुट चाहिए। अब जैसे अगर इधर 50 है ना तो 50 का मतलब है कि जो स्कोर है ना, अब कितने परसेंट मॉडल को लग रहा है कि ये एम है, कितने परसेंट मॉडल को लग रहा है ये एन है। अब मैंने इसको कहा है जी मुझे सबके लिहाज से सिर्फ 50% से 50% से ऊपर तक आउटपुट हो, ये 50 से नीचे तक की अपना क्या कहते हैं नहीं उठाएगा, ठीक है। अगर जहाँ इसको 40% कुछ लग रहा होगा ना तो वो नहीं उठाएगा,
सिर्फ 50 या 50 से अबव वाले उठाएगा, समझ आइए। अच्छा अब ये हमें रिटर्न करेगा डिटेक्शंस, डिटेक्शंस। अच्छा मैं आप इसको आप रन करके दिखाता हूँ, मैं आप ना डिटेक्शंस प्रिंट करता हूँ, बल्कि हम पहले इसको रन करते हैं, ये तो रन करेंगे ठीक है। अच्छा अब मैं आपको इधर डिटेक्शंस जो इसने किए है ना उन्हें आपको प्रिंट करके ये देखो। अब इसने ये चीजें प्रेडिक्ट की हैं, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। इसने सबसे पहले एक एम प्रेडिक्ट किया है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 99.9%, ठीक है। उसका जो पॉइंट है वो है ये 53-45, ये बिल्कुल सेम वही पॉइंट है जो मैंने आपको वो फाइल में नोटपैड में खोल के दिखाया था, फिर जिससे मैंने क्रॉप किया था, मैंने कहा था एक्स मिनना है वाई मिनना है, एक्स मैक्स है वाई मैक्स है, ये बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। अब ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये खड़ा है ना ये है एक्स वन, मतलब एक्स मिन, ठीक है। जो ये अगला ये नंबर खड़ा है ये है वाई वन, मतलब वाई मिनिमम, ठीक है। जो ये नंबर है वो है एक्स मैक्स, मतलब एक्स का अपना क्या कहते हैं एक्स टू, ठीक है। और जो ये चौथा है ये है वाई टू, मतलब वाई मैक्स। मैंने आपको बताया था कि जो हम इमेज से क्रॉप करते हैं वो करते हैं ऐसे y1 से लेकर y2 तक, फिर कोमा, फिर x1 से लेकर x2 तक, ऐसे ही था, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। अब ये 45 से 102 ये आएगा इधर, 53 से 71 ये आएगा इधर। अब उससे क्या होगा कि जो ये पूरी इमेज है ना ये वाली, ये पूरी इमेज है, इससे खाली इस बॉक्स के जरिए, ये वाले बॉक्स के जरिए सिर्फ और सिर्फ एम क्रॉप हो जाएगा, समझाइए। अच्छा अब मैं आपको ना ये चलाकर दिखाता हूँ। अच्छा इस कोड की तो आपको समझ जाना कि मैंने वो जस्ट इमेज प्रिंट कर लिया, ये मैंने इस तरह से, ये देखो फोर आई इन डिटेक्शन, डिटेक्शन वही है जो मेरे पास ऊपर आया है ये वाला, ठीक है। अब ये मैं कमेंट, ठीक है। अब ये पाइथन की डिक्शनरी है, एक एरे है, पूरी लिस्ट, ये देखो ये लिस्ट है, ठीक है, और उसके अंदर एक डिक्शनरी पड़ी है। डिक्शनरी से मुराद जो पाइथन की डिक्शनरी है ना वो मैं आपको एक छोटा सा एक डेमो देता हूँ, ये देखो। जैसे कि मेरे पास एक डिक है, नेम है मेरे पास रजा कोमा, अच्छा, और एज है मेरे पास 23, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जी इस डिक्शनरी से मुझे सिर्फ नेम प्रिंट करके दिखाओ, तो मैं इस तरह से जो उधर ये इसको की कहते हैं, ये की वैल्यू कहते हैं, तो ये मैं डी नेम करूंगा ना तो वो मुझे रजा प्रिंट करके दे देगा, तो मतलब की के लिहाज से वैल्यू। अब मैं अगर इसको कहूंगा एज प्रिंट करके दो तो ये मुझे 20 का ए पड़ा, इस चीज का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। अब देखो इसने मुझे 23 प्रिंट करके दे दिया। अब देखो ये सेम डिक्ट बनी हुई है, मेरे पास नेम है एम, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी स्कोर कितने परसेंट, मुझे ये लग रहा है कि ये लेबल ये वाला है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि इसको 99.9% लग रहा है कि ये एम है, ठीक है, और उसकी जो लोकेशन है वो ये है। अब तीन चीजें हैं, नेम, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, बॉक्स पॉइंट्स, ठीक है, हर जगह यही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लूप चलाई है डिटेक्शन में, सारी डिटेक्शन से मैंने क्या किया है कि ना बॉक्सेस निकाले हैं आई बॉक्स पॉइंट्स के, ठीक है। जब मैं आई बॉक्स पॉइंट्स लिखूंगा तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है, हर किसी की लूप बाय लूप, बारी बारी, आइट्रेशन बाय आइट्रेशन, मुझे ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा अब मैंने वो बॉक्सेस में सेव किया, पहले मैंने लेबल प्रिंट किया नेम से, ठीक है, कैसे प्रिंट हुआ है आपको समझ आ गई होगी ऊपर डेमो से। फिर मैंने स्कोर प्रिंट किया परसेंटेज प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। फिर मैंने इमेज को क्रॉप किया कैसे, 1 से 3 तक, 0 से 2 तक, ये देखो
ये पहला, ये जीरो इंडेक्स, ये पहला इंडेक्स, ये दूसरा इंडेक्स, ये तीसरा इंडेक्स, ये मैंने आपको कहा वाई वन है, ये मैंने आपको कहा वाई टू है, वाई वन और वाई टू, जीरो इंडेक्स और सॉरी पहला इंडेक्स और तीसरा इंडेक्स, ऐसे ही है। तो मैंने क्या किया है, पहले इंडेक्स से तीसरे इंडेक्स तक वाई वन से वाई टू निकाला, ठीक है। अच्छा फिर मैंने आपको कहा ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि ये जीरो इंडेक्स है, ये दूसरा इंडेक्स है, ठीक है। ये देखो जीरो से दूसरे इंडेक्स तक मैंने निकाला है, क्रॉप की पीएल टू वो इसी क्रॉप इमेज को शो किया, ठीक है। अब मैं ये मैं आपको रन कर देता हूं, ये देखो। अब ये देखो ये सिर्फ m आ गया है, इसको ये जो 99.9% लग रहा है कि जी ये m है, इसी पिक्चर से मैंने इस पिक्चर से ये जगह एक्सट्रैक्ट किया, क्रॉप किया, ठीक है। अब देखो अब इसे m 6 भी लग रहा है लेकिन उसकी परसेंटेज 61 है। ये भी इसने सारी आउटपुट दी हुई है मुझे कि जी मुझे इतने इतने पर, मैंने क्योंकि इसको कहा 50 से ऊपर ऊपर तक लेकर आओ, ठीक है। ये अब मुझे 66 भी ले आया है, 50% का भी होगा इसमें कोई ना कोई, ठीक है। अच्छा अब ये m इसको n भी लग रहा है 81%, ठीक है। इसे ये अब देखो अब ये अगली इमेज आ गई है n की, इसे पहले a लग रहा है 74%, ठीक है। उसके बाद अपना क्या कहते हैं फिर n इसको m भी लग रहा है 68%, n इसे 99. अब देखो जो करेक्ट है ना उनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो तकरीबन ऐसे ही है 90, 99. हाँ कुछ ऐसे डिजिट्स होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 90 या 99 ना आए, ठीक है। वहाँ पर हो सकता है 80 आ जाए, 70 आ जाए, 40 आ जाए, अपना 50 आ जाए, उसके लिए हमें फिर ख्याल करना पड़ता है। अच्छा अब ये तो इसने गलत मुलत भी और सही सही भी हमें मिक्सचर बनाकर दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब देखो ये देखो इसने 5 भी उठाया 99.9% से, ठीक है। अच्छा अभी इसने 9 इसको ये क्यू भी लग रहा है, ठीक है। इसने मिक्स उठा लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने हमने ये करना है कि जी इसकी जो ये प्रिडिक्शन आई है ना इसको करेक्ट करना है, एग्जैक्ट वही प्रिडिक्शन उठानी है जिनके अपना खाली जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हाई हैं और वो रिपीट नहीं हो रही। अब देखो मेरे कहने का मतलब है, अब जैसे एम यहाँ पर भी खड़ा है, यहाँ पर भी खड़ा है, लेकिन उनके जो लेबल हैं वो दूसरे हैं। हमने क्या करना है कि जी जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जिन जिनकी है ना वही सिर्फ लेबल उठाए बस, और कोई ना उठाए, ठीक है। मतलब एक ऐसे कह सकते हैं कि ना हमने बाकी सारी चीजें जो हमारे काम की नहीं है वो डिलीट कर देनी है, जो हमारे काम की है वो हमने रख देनी है, वही हमारा फाइनल नंबर होगा, ठीक है। जो ओवरऑल होगा वो कैसे होगा, अब आपको वो दिखाता हूँ, वो होगा इस स्कोर से, अच्छा ये देखो ये मैंने इसको रन किया था, ये MND 592, ये इसने मुझे आउटपुट दे दिया उस सारे डिफरेंट से, ठीक है। अब ये कैसे दिया आपको मैं ये समझाता हूँ। सबसे पहले कॉल हुआ है गेट नंबर का फंक्शन, उसमें जितनी भी डिटेक्शन आई है ना, ये देखो ये वही डिटेक्शन जो यहां से आई है, ये वाले डिटेक्शन, ये वाले, ठीक है। ये मैंने दे दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, पास किए इसको, ये यहाँ आया। मैंने तीन चीजें बनाई है क्योंकि हमारे पास तीन चीजें हैं, एक बॉक्सेस है, एक स्कोर्स है, फिर उसकी क्लासेस हैं। मैंने बॉक्सेस को बॉक्सेस में डाल दिया है, स्कोर्स को स्कोर्स के एरे में डाल दिया है, और जो नेम है मतलब लेबल्स है उसको क्लासेस की एरे में डाल दिया, ठीक है। अब ये बनाने के बाद ना मैंने जो ये तीनों है ना इनको कन्वर्ट किया नंपाई एरे में, ठीक है। ये देखो बॉक्सेस, स्कोर्स और अपना ये क्लासेस भी, इसे भी मैंने नंपाई एरे में कन्वर्ट किया। अब एक और फंक्शन कॉल किया मैंने एंड एम एस का, एंड एम एस से मुराद है नॉन मैक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम नहीं है उनकी उनको खत्म कर दो, ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम वाले रखो, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले बॉक्सेस पास किए हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस यार वही हैं जो हमारे पास अपना क्या कहते हैं
चार नंबर आया ना एक्स मीन एक्स वन वाई वन के, वो वही सारा बॉक्स है, स्कोर हमारे पास वही परसेंटेज है और अपना बॉक्सिंग स्कोर, और ये 0.3 ये प्रोबेबिलिटी है, थ्रेशोल्ड है कि इतने थ्रेशोल्ड से ऊपर तक ना अपना जो आए ना, मतलब उस थ्रेशोल्ड से नीचे तक जो बन रहा है हिसाब किताब उसे डिलीट कर दे, वो नहीं रखना, उसके आगे तक रखना, सही है। अब मैं आपको ना ये NMS वाला समझाऊंगा, मतलब अब ये पहले NMS में आएगा ना बॉक्सेस के, तीन चीजें लेंगी, बॉक्सेस स्कोर और थ्रेशोल्ड, ठीक है। सबसे पहले आएगा इधर, ये देखो ये डेट्स, मतलब डेट्स का मतलब है डिटेक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, फिर स्कोर है और ये थ्रेश है। अब सबसे पहले बॉक्सेस में से ना एक्स वन निकाला है, फिर वाई वन निकाला है, फिर एक्स टू निकाला है, फिर वाई टू निकाला है, ठीक है, वो 0, 1, 2, 3 लोकेशन में पड़ा है। ये बिल्कुल सेम चीज़ है, ये मैंने आपको कहा था ना कि अब देखो बॉक्सेस है ना काफ़ी सारे, तो जीरो इंडेक्स पे पहला एक्स वन पड़ा है, फिर अगले इंडेक्स पे वाई वन है, फिर उससे अगले में फिर एक्स टू है, फिर उससे अगले में वाई टू है, इसी तरह उसने ना अपना क्या कहते हैं, ये देखो ये पॉइंट आउट करेगा सेकंड डायमेंशन को, सेकंड डायमेंशन के जीरो इंडेक्स पे, देखो मैं आपको बता दूँ जो बॉक्सेस की एरे बनेगी ना वो बनेगी इस तरह से, कि इस तरह से कुछ चार नंबर होंगे, मतलब मैं फर्जी नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर कोमा, फिर अगला बॉक्स होगा इस तरह से, कोमा इस तरह से, ठीक है, फिर ये चौथा नंबर होगा, फिर कोमा ये इस तरह से ना, फिर अगला नंबर होगा, ठीक है, ये जितने मर्जी बॉक्सेस होंगे होंगे इसी तरह से, ठीक है। अब ये टू डायमेंशनल एरे बनी हुई है ना, अब इसने कहा है जी कोमे के बाद जो जीरो इंडेक्स है ना जहां जहां भी, ये वाला वो चला जाए एक्स वन में, फिर उसके बाद जो वन इंडेक्स है ये वाला ये वाला ये वाला वो बन जाए वाई वन, मतलब इस तरह से कि जब ये कोड चलेगा ना तो एक्स वन में पड़ा होगा इस तरह से, सॉरी वन कोमा 54, 21, ठीक है। अब जब ये वाली लाइन चलेगी ये वाली, तो y1 में पड़ा होगा ये वाली रकम दो, ये वाली और ये वाली, इसी तरह से ना ये भी वर्क करेगा और इसी तरह से ये भी वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने एरिया फाइंड की है, ठीक है, मैक्सिमम जो है एरिया वो मैंने x2 माइनस x1 प्लस 1 करके ना, एक मैथमेटिकल टर्म जो मतलब हमारे पास एरिया एक किसी भी जगह का निकालने का फार्मूला होता है वो जनरल यही होता है, ठीक है, वो मैंने अपना क्या कहते हैं इस फार्मूले के तहत आएगा उसका एरिया। अब ये स्कोर्स डॉट आर्ग सॉर्ट ये काम ये करेगा कि जो हमारे पास स्कोर्स है ना, ठीक है, मतलब 99% 20% 30% 58% इस तरह के जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आएंगी, ये क्या करेगा उसको सॉर्ट करेगा, ठीक है, छोटे से लेके बड़े की तरफ, ठीक है, पहले मतलब सबसे छोटा रखेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अच्छा आर्ग सॉर्ट ये करता है कि हमें ये डायरेक्ट नंबर नहीं रिटर्न कर देता, हमें जहां जहां उसने सॉर्ट किया ना उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, ठीक है, मतलब अगर फर्ज करो मेरे पास एरे स्कोर्स में पड़ा हुआ था 99, 85, 22, 36, 12, ठीक है, अब जब ये सॉर्ट करेगा ना तो सॉर्ट करेगा तो पहले बंदा 12, 22, 36, अपना क्या कहते हैं उसके बाद 85, 99 ऐसे बनेगा ना, लेकिन हमें ये आउटपुट नहीं देगा, हमें वो आउटपुट देगा इस तरह से कि जी ये 0, 1, 2, 3, 4 अच्छा 4, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 1, 0, ठीक है, वो हमें आर्ग सॉर्ट इस तरह से इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा कि जी मैंने जो सॉर्ट किया है वो इस इंडेक्स में पड़ा है, पहला जो उसने नंबर रखा है वो रखा है 4, ये देखो 12, 4 पे पड़ा है, फिर जो उसने रखा है 2, 0, 1, 2, 22 पड़ा, ठीक है, फिर 1 अपना इसी तरह, फिर 3, 36, फिर 1 और ये 85, फिर 0, 99, इस तरह की हमें ये अपना ये आउटपुट हमें ये आर्ग सॉर्ट रिटर्न करेगा।
अब जो मैंने ये लगाया हुआ है ना माइनस वन, इसका मतलब है कि जी मुझे आपने इस तरह से सोल्व किया, अब मुझे जो वो छोटे से बड़े की तरफ किया ना, अब मैंने कहा है जी मुझे कन्वर्ट कर दो बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। वो सिंपल इसको क्या करेगा, इधर 0.1.3.2.4, अब ये छोटे से बड़े की तरफ उसने पहले रखा, अब ये लाइन जो करेगी वो करेगी छोटे से बड़े की तरफ रख देगी, ठीक है। ओ सॉरी, छोटे से बड़े की तरफ था, अब बड़े से छोटे की तरफ रख देगी। अब ये मैंने एम्प्टी लिस्ट डिफाइन की है क्यूब की, ये फाइनली हमें ये बताएगी कि जी हमारे पास जो आउटपुट है ना, जो मैंने इंडेक्सेस रखने हैं, जहाँ जहाँ मेरा करेक्ट पड़ा हुआ है वो उसका इंडेक्स नंबर कौन सा है, ये मुझे कीप वो बताएगा। अब मैंने क्या करना, मैंने किया है कि ऑर्डर डॉट साइज ग्रेटर देन जीरो, तब तक मेरी ये लूप चलती रहे। ऑर्डर डॉट साइज से क्या मुराद है, ये जो मैंने एक लेंथ बनाई है ना, ये देखो ये पूरी इस तरह से एक एरे बनाई है। मैं अभी इसमें क्या करूँगा, इस पूरे कोड में मैं सब ऑपरेशन के बाद, कैलकुलेशन के बाद, मैं जो नंबर मुझे लगेगा ना कि ये मैक्सिमम नहीं है, उसको मैं एरे से निकाल दूंगा। फिर मुझे लगेगा ये वाला है ठीक है, इसको नहीं हटाऊंगा, फिर इसको हटा दूंगा, ठीक है। इस तरह से हटाता जाऊंगा, वो एक एंड में आके ना एरे साइज बिल्कुल कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब वो फिर अपना ऑर्डर डॉट साइज ग्रेटर देन जीरो, ये लूप अपना क्या कहते हैं, साइज जो है वो जीरो से लेस हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, लूप को खत्म कर देगा। अब चलेगा कैसे, उस पे आते हैं। ये सबसे पहले आई में रखेगा ऑर्डर का जीरो इंडेक्स, मतलब मैक्सिमम इंडेक्स। मैक्सिमम इंडेक्स से मुराद हमने बड़े से छोटे में की तरफ सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जीरो इंडेक्स उसने उठा लिया, सबसे बड़ा इंडेक्स, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमने बड़े से छोटे की तरफ सॉर्ट कर दिया तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू ही पड़ी है ना, ठीक है। तो पहले मैंने ना कीप में सबसे पहला इंडेक्स जो सबसे बड़ा है, क्योंकि वो तो होगा ही होगा, तो मैंने वो कीप में ना उसकी लोकेशन अपेंड कर दी, ठीक है। फिर मैं आया हूँ अगली पे, मैंने क्या किया है कि जो मेरे पास x1 है ना, इस i की लोकेशन पे, जहाँ पर जिस लोकेशन पे मेरा वो सबसे बड़ा नंबर पड़ा हुआ है, उसको मैंने x1 में निकाला है कि उसका बॉक्स में क्या नंबर है, ठीक है। x1 एक बॉक्स का नंबर है ना, फिर मैंने उसको x1 में से अगले जो ऑर्डर 1 से अगले तक है, ठीक है। अब देखो जीरो इंडेक्स तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब जो जीरो से अगले हैं वो है 1 से लेकर आगे एंड तक, उसके आगे वाले, ठीक है, वो मैंने सारे इधर जमा कर दिए, ठीक है। इस कोड का मतलब ये है कि मैं आपको इधर समझाता हूँ, इसको अभी कमेंट करते हैं, मैं आपको x1 के लिहाज से समझाता हूँ, बाकी मतलब सारा वही है, ठीक है। अब देखो x1 ये बनेगा ना 154 और ये 21, ऐसे ही बनेगा ना। अब इस कोड का मतलब है, अपना इस कोड का सबसे पहले मुझे ये 4 उठा के दे, ठीक है, 4 उठा के दे। अब 4 चौथी लोकेशन पर अपना क्या कहते हैं, जहां ये पड़ा है ना एक्स आई 4, ठीक है, जहां ये 4 पड़ा है उधर मुझे ये हमने एक गलती ये की है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स 3 है, 3 है ना, और मैंने जो स्कोर्स की आपको एग्जांपल दिए ना, उसमें मैंने स्कोर्स काफी सारे रख दिए। चलो हम अपनी आसानी के लिए ना इसको भी इधर 3 ही रखते हैं। ये कोड में 3 बराबर ही आएंगे, जितनी बॉक्सेस की लेंथ होगी उतनी स्कोर्स की लेंथ होगी, ठीक है। तो ये तो मैं आपको समझा रहा था ना, तो मैंने उसी तरह एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले आएगा 4, ठीक है, इसी तरह सॉर्ट हुआ है ना यहाँ तक, तो आपको समझ आ गई होगी। अब सबसे पहले आएगा 4, उसने जीरो इंडेक्स उठाया। अब उसने कहा है जी ये एक्स वन में ना जो अपना जहाँ ये 4 पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मुझे उठा के दो, ठीक है, और कोमा, अब इसके आगे जितने पड़े हुए हैं, मतलब ये दो, ठीक है, जो ये अपना क्या कहते हैं ऑर्डर
इसके आगे जितने पड़ेंगे वन, ये जीरो हो गया, ठीक है। अब वन से आगे, क्योंकि अगर मैं इसकी इस एरे का अगर मैं जीरो प्रिंट करूँ इस तरह से, तो मुझे ये चार आउटपुट देगा, ठीक है। अगर मैं वन से यू प्रिंट करूँ तो मुझे ये एक से आगे जितने भी है ना वो सारे देगा, ठीक है। अब ये फिर क्या करेगा कि इसमें से मैक्सिमम फाइंड करेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसने पहले उठाया यहाँ से वन, वन इसके पास यहाँ आ गया। अब अगली जो एरे है ना वो रखेगा 54.21, ये एक एरे बनेगी। अब वो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना वो उठाएगा, ठीक है, इंसानों में से मैक्सिमम उठाकर इसके अंदर रख देगा, ठीक है। इसी तरह वो इसके ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसके ऊपर भी, इसी के ऊपर भी, सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। अपना क्या कहते हैं, फिर वो विड्थ और हाइट फाइंड करेगा। विड्थ और हाइट अपना क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जो विड्थ और हाइट है ना वो फाइंड करेगा अपना क्या कहते हैं उससे, जो विड्थ और हाइट है ना वो निकाली जा सकती है। जो हमारे पास मैक्सिमम होती है ना उसको अगर हम मिनिमम से माइनस कर देना तो हमारे पास विड्थ आ जाती है। देखो x2 हमारे पास मैक्सिमम होता है, x1 हमारे पास मिनिमम होता है, y2 हमारे पास मैक्सिमम होता है और y1 हमारे पास मिनिमम होता है। तो हमने ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 करके अपना विड्थ निकाली है, और अपना जो विड्थ है वो हमेशा x एक्सिस पे होगी और जो हाइट है वो हमेशा y एक्सिस पे होगी। समझ आई बात की? अब उसने ये विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब उसने एक पहले इंटरफाइन किया है कि जी हमारे पास जो विड्थ और हाइट है ना वो टोटल कितनी बड़ी इमेज है। विड्थ और हाइट को जब आप जरब दोगे तो एक बड़ी सारी, मतलब एम की जो लोकेशन की इमेज है ना, मतलब ये इससे मुराद, और एक मिनट ये बहुत नीचे आ गया, ये जो इतनी एक इमेज है ना इसकी विड्थ और हाइट क्या है, ठीक है, वो यहाँ पर ये फाइंड करेगा। ये फाइंड करने के बाद अब वो अपना क्या कहते हैं, जो हमने एरिया निकाला है ना, एक पहले हमने एरिया निकाला था, उस एरिए पे जो टोटल हाइट और विड्थ है उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब अपना क्या कहते हैं, ये जो एरियाज है ना ये किसी एक अपना एरिया नहीं है, ये पूरी एरे का एरिया है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि नंपाई एरे में अगर हमारे पास लिखा हो ना 5.10.5 और अगर मैं इसको अपना 5 और अगर मैं इसको तकसीम करूँ 5 पे, तो ये तीनों को 5 पे तकसीम कर देगा, ठीक है। अब उसी तरह मेरे पास अगर मैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई पे भी सेम काम होता है, अगर मैं ये माइनस 5 कर दूंगा ना तो ये सारों से 5 नफी कर देगा, ठीक है, समझ आइए। अब अगर मैं इस तरह करता हूँ ना कि 5.2.3, ठीक है, ये क्या करेगा कि इंडेक्स वाइज ना माइनस करेगा, 5 को 5 के साथ नफी करेगा, 2 को 2 के साथ नफी करेगा, 3 को 3, ये सेम वही चीज़ है जैसे हम मैट्रिक्स पढ़ते थे ना मैथ में, मैट्रिक्स में प्लस माइनस करते थे, नम पाई टोटली सेम बिल्कुल वैसे वर्क करती है, ठीक है। मैट्रिक्स में भी हम जब एक मैट्रिक्स बना होता था उसके नीचे डिवाइड 5 लिखते थे तो वो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता था ना, ये सेम वही चीज है, नम पाई एरे सेम वही चीज है, ठीक है। इसको आप जिससे माइनस करोगे, जिससे मल्टीप्लाई माइनस करोगे वो सारों पे वर्क करेगा, ठीक है। अब ये एक फाइनल टोटल एक बड़ी सारी एरे बना रहेगा एरियाज की, जिसमें सारे एरियाज वो एक x2 में से x1 निकाल के y2 में से y1 निकाल के फाइंड करेगा। मतलब के जो इसने पूरे बाउंडिंग बॉक्सेस फाइंड किए ना, एक जो बॉक्सेस फाइंड किए हैं, अब देखो ये है तो वही, उसने मैक्सिमम से मिनिमम फाइंड करके विड्थ निकाली है और मैक्सिमम से मिनिमम फाइंड करके, मतलब एरिया यही होता है ना, जो विड्थ और हाइट होती है, विड्थ को हाइट में से निकाल दो, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट जो होती है वो हमारे पास एरिया होता है, ठीक है, यही होता है ना एरिया, जो मैंने आपको अभी कहा है कि जो फार्मूला है ये उसी के तहत वर्क करता है, ठीक है। उसने पहले x2 माइनस x1 सारों में से करके एक एरिया निकाला है, सॉरी विड्थ निकाली है, एक विड्थ x2 की, ठीक है, x के लिहाज से। फिर उसने y2 माइनस y1 करके एक और अपना क्या कहते हैं, यहाँ से उसने विड्थ निकाली है, यहाँ से उसने हाइट निकाली है, उसने विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट किया, उसके पास एरिया आ गया, सही है।
अब उसने इस एरिए पे अपना बाकी सारे जो ऑर्डर्स है ना उनको उनके साथ कैलकुलेशन किया है, ठीक है। उस पे उसके बाद इसने किया है जी जहाँ पर मेरा इस ओवर्स के थ्रेशोल्ड कम है ना वो इंडेक्स में आ जाए और उस इंडेक्स से अगले तक अपना क्या कहते हैं डिलीट हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा है ना थ्रेश से जो बड़ा है वो ये रखेगा, ठीक है, और उससे जो नीचे है उसको वो हटा देगा। अब इसने कहा जी एनपी डॉट वेयर इस नंबर से इस नंबर के तक थ्रेश तक जो हमने 0.3 दी है जहाँ जहाँ छोटा है ना उसका मुझे इंडेक्स निकाल दे दो। अब उसने इंडेक्स प्लस वन ये जो बेसिकली करेगा ना वो ये करेगा कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एरे है अपना चार चार कोमा नहीं बल्कि 0.9, 0.8, 0.4, 0.2, 0.3, 0.1, ठीक है। अब ये करेगा कि जी मेरे पास फर्ज करो ये एरे है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि ना 0.9, 0.8 और अपना क्या कहते हैं 0.4 इसमें से वो नंबर निकालने हैं जिसकी थ्रेशोल्ड कम है एनपी डॉट वेयर। जब मैं इसके ऊपर एनपी डॉट वेयर लगाऊंगा ना, ठीक है, तो ये मुझे लोकेशन देगा लेस देन इक्वल टू थ्रेश 0.3 से लेस देन इक्वल टू कौन सा है, ये तीन नंबर है इनकी लोकेशन कौन सी बनती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे 3, 4, 5 ये मुझे रिटर्न कर देगा। ये तीन चीजें आएंगी इस वाले वेरिएबल में, ठीक है। अब वो इंडेक्स में प्लस वन करके, ठीक है, वो उससे एक कदम आगे जितने भी इंडेक्स बनते हैं ना ऑर्डर के वो सारे अपना क्या कहते हैं उठाएगा और अपना क्या कहते हैं ऑर्डर में डाल देगा, सिर्फ वही इंडेक्स डालेगा उससे अगले नहीं डालेगा, सही है। अब उससे मुराद क्या है कि जी अपना ऑर्डर में वो मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑर्डर में था स्कोर है ना ऑर्डर में 50, 70, 80 ठीक है, कॉमन है, ठीक है, इस तरह से है ना। तो आप मिसाल के तौर पे 3, 4, 5 आया नंपाई एरे में, जब मैं इस तरह से लिखूंगा ना 3, 4, 5 तो वो मुझे क्या करेगा कि जो इस लोकेशन में पड़ा होगा ना वो मुझे रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पे तीसरी लोकेशन पे जो पड़ा होगा वो रिटर्न करेगा, फिर चौथी लोकेशन में जो पड़ा होगा वो रिटर्न करेगा, फिर पांचवी लोकेशन में जो पड़ा होगा, इधर नहीं है ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इधर, फिर मिसाल के तौर पे इधर फर्ज करो है, ये तो मैं आपको फर्जी नंबर बता रहा हूँ ना। अब जो उधर नंबर आएंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर होंगे जिस वो जो कोड पे बैठ रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो तीसरे नंबर पे जो पड़ा होगा अपना तीसरे नंबर पे पड़ा होगा, चौथे नंबर पे पड़ा होगा, पांचवें नंबर पे पड़ा होगा, ठीक है, सिर्फ वो उठाएगा, ठीक है, और वो ऑर्डर में इस तरह से करके रख देगा 80, 90, 100 और ऑर्डर से ये दोनों चीजें खत्म कर देगा। अब ऑर्डर में ये चीजें आ जाएंगी, फिर वो लूप चलेगी, ठीक है, फिर इसी तरह से कोई नंबर कम होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये कम होगा, फिर लूप चलेगी इसी तरह कम होते होते एंड में ना तकरीबन सारे खत्म हो जाएंगे, फिर वो ऑर्डर साइज खत्म हो जाएगा, एंड में वो हमें कीप रिटर्न कर देगा, ठीक है, कि मैंने ये इंडेक्स अपने पास रखे हैं और आप अपना इस इंडेक्स पे जो जो चीजें पड़ी है ना वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको ये देखो गेट नंबर भी बताऊँ, ये देखो ये मैंने इस तरह से किया, ये अब मैंने आपको ये फंक्शन पूरा समझाया, अब मैं इसकी अगली लाइन पे आता हूँ जो कि ये वाली है। अब बॉक्सेस में से ना मैंने क्या किया है वो वाले बॉक्सेस उठाए हैं जहां पर मेरी कीप वाली अपना क्या कहते हैं रेशो खड़ी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो बॉक्सेस हैं वो हैं ये, ठीक है, और जो मेरी कीप आई है, अब ये तीन बॉक्सेस है ना, अब मिसाल के तौर पे मेरी कीप आई है 1.3, ये मेरे पास नंबर आया कीप में। जब मैं ये करूंगा ना तो सिर्फ मुझे वो ये वन, सॉरी ये दूसरा इंडेक्स है, ये तीसरा, ठीक है,
ये पहला और ये दूसरा, सिर्फ ये मुझे बॉक्सेस में रख के दे देगा और ये बॉक्सेस से हटा देगा, ठीक हो गया। अच्छा, इतनी एक चीज समझ आ गई, ठीक है। अब अगली चीज जो मैंने की है ना, वो मैंने ये किया है कि मैंने इसको सम किया है, ठीक है, सम किया है एक्सिस वन पर। एक्सिस जीरो से मुराद ये जो मतलब ये बॉक्सेस है ना, मतलब ये वाली आई है ना, अब ये आई है ना, इसको आप करो। अब मैं आपको इधर समझाता हूँ, ये वाली हमारे पास एरे आ गई। अब एक्सिस जीरो का मतलब है कि जी इस नंबर को इस नंबर के साथ सम करो, इस नंबर को इस नंबर के साथ सम करो, इस नंबर को इस नंबर के साथ, इस नंबर को इस नंबर के साथ, इस नंबर के साथ। ये एक्सिस जीरो का मतलब है। एक्सिस वन का मतलब है कि इस सारे को सम करो, इस सारे को सम करो और एक न्यू एरे मुझे बना कर दे दो। मतलब कि मिसाल के तौर पे जो ऊपर है उसका सम बनता है 255, मिसाल के तौर पे जो अगला नंबर है उसका बनता है 100। तो मुझे इस तरह का ना कुछ नंबर रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। फिर मैंने उसके ऊपर डॉट आर्ग सॉर्ट निकाला है, ठीक है, इस तरह से आर्ग सॉर्ट लगाया, समझाइए, आर्ग सॉर्ट लगाया। उसके बाद अपना क्या कहते हैं, आर्ग सॉर्ट लगाने के बाद उसने मुझे फिर वो इंडेक्स दे दिए हैं जिधर उसने ये अपना क्या कहते हैं, जिधर जिधर ये करेक्ट नंबर पड़े हुए हैं, समझ आ गई है। ये आ गया। अब फिर मैंने क्लासेस से भी, मेरे पास क्लासेस काफी सारी थी ना, एम भी था, एन भी था, सिक्स भी था, सिर्फ एम के लिहाज से, बाकियों के लिहाज से भी हैं। तो क्लासेस भी मैंने सिर्फ वही रखी हैं जो मेरी बॉक्सेस हैं, जाहिर सी बात है जो मेरे करेक्ट बॉक्सेस बन रहे हैं वही मेरी करेक्ट क्लासेस भी हैं, ठीक है। तो मैंने वही कीप की है, बाकी और कुछ नहीं रखा, ठीक है। फिर मैंने जो बॉक्सेस आए हैं ना, जो मैंने इंडेक्स आए हैं आर्क सॉर्ट करने के बाद, उससे चलाइए लूप, ठीक है। अब मैंने एन से ना, एन में रखा है क्लासेस आई, ये जो क्लासेस है ना ये वाला वेरिएबल, इसके जीरो इंडेक्स पे जो पड़ा है ना, मतलब आई आईथ इंडेक्स पे जो पड़ा है वो मैंने डाल दिया है एन पे, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक किया कि जी अगर मेरी एन की आउटपुट आती है एन ए, अगर उसने प्रिंट किया एन ए तो फिर तो बात ही खत्म होगी। मैंने सिंपल सिंपल रिटर्न किया एन ए, मतलब एन बाय ए रिटर्न कर दिया। वो जो मैंने आपको उस वक्त पहले पहली वीडियो में बताया था कि मतलब पहली तो नहीं थी खैर, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जी मेरे पास एन ए एक लेबल है, लेकिन मैंने फिर उसको एन ए एन स्लैश ए बना दिया, तो मैंने इसको यहाँ से रिटर्न एन स्लैश ए कर दिया, सही है, समझ आ गई। फिर मैंने ये किया है कि जी अगर तो एन ए नहीं है फिर वो नीचे आएगा, तो वो नंबर प्लस इक्वल टू एन करता जाएगा, जो जो नंबर आता जाएगा नंबर में ऐड करता जाएगा, ये इस वाले नंबर में ऐड करता जाएगा, करता जाएगा। अच्छा, अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, अब ये मिक्सचर होंगे, जो पहले जब ये लूप खत्म होगी ना नंबर में मिक्सचर होगा, ठीक है। कहीं पहले अल्फाबेट पड़ा होगा, फिर नंबर पड़ा होगा, फिर नंबर पड़ा होगा, फिर अल्फाबेट पड़ा होगा, इस तरह से ना कोई मिक्सचर पड़ा होगा। तो फिर मैंने ये किया है, पहले अल्फा फाइंड किया है आर ई से, आर ई से मुराद रेगुलर एक्सप्रेशन लगा कर, ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया है कि जी ए से जी तक फाइंड ऑल करो नंबर से, नंबर से फाइंड ऑल करो ए से जी तक और उसको डाल दो अल्फा में, ठीक है। फिर डिजिट फाइंड करो जीरो से नाइन तक, ठीक है, उस नंबर से वो डिजिट में डाल दो, ठीक है। अब अगर अल्फा भी ग्रेटर देन जीरो है और डिजिट भी ग्रेटर देन जीरो है लेंथ उनकी, मतलब जैसे ऐसे भी नंबर प्लेट हो सकती है जिसमें अल्फाबेट हो ही ना, सिर्फ खाली नंबर हो, ठीक है, ऐसे होती है, ठीक है, तब तो ये माइनस का साइन नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर अगर अल्फाबेट होगा जैसे एमएनडी 592 तो एमएनडी के बाद माइनस आएगा फिर 592 आएगा, ऐसे ही है ना। तो अगर एमएनडी ही नहीं होगा, 592 खाली नंबर होगा, तो फिर तो माइनस का मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने ये लगाया है कि अगर लेंथ अल्फा ग्रेटर देन जीरो है और लेंथ डिजिट भी ग्रेटर देन जीरो है तब ये माइनस रखे, ठीक है, अदरवाइज माइनस ना रखे। फिर एंड में मैंने ये अल्फा प्लस डिजिट इसे रिटर्न कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये मॉडल मुझे अपना, ये पूरा कोड मुझे एक फाइनल अल्फा प्लस डिजिट रिटर्न करेगा, ठीक है। ये देखो हमें ये इंपोर्ट आ रही, गेट नंबर रिटर्न करता हूँ ना, तो उसने सारी डिटेक्शन से जो मैंने आपको ऊपर इतनी सारी चलाई है, ये देखो ये कितनी सारी है, ठीक है। अब ये मैं आपको इसकी लेंथ बताता हूँ, ये इसकी लेंथ 25 टोटल इसने डिटेक्शन की है, ठीक है, इस नंबर प्लेट से,
ठीक है। अब इसमें से हमने इस कोड के जरिए इस दोनों फंक्शन के जरिए ये MND 592 ये निकाल दिया, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन करने का अलहदा से मतलब ये था कि यही दोनों सेम कोड उस मेन वाली फाइल में यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं आपको ये main.py वाली फाइल अब दिखाऊंगा ना, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि ये वर्किंग क्या हुई है, ठीक है। अब मैं आपको इससे अगली ना वो अपना main.py वाली फाइल दिखाऊंगा।